पाकुड़ में विकसित भारत मोदी की गारंटी संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य जन जन की आकांक्षाओं को सीधा प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र हेतु 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव एकत्रित करेगी। इसको लेकर प्रत्येक विधानसभा में 6,000 से अधिक सुझाव पेटियां लगाई जाएंगी। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सुझाव के लिए 10 लाख बूथों पर जनसंपर्क भी किया जाएगा। चौखट तक जाएंगे और लोगों के सुझाव इस देश को बनाने में किस प्रकार हो सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क अभियान आज से शुरू हो रहा है और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पाकुड़ जिले के सभी 813 बूथों पर जाएंगे और लोगों से सुझाव मांगेंगे और ये लिखित सुझाव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास सीधे वहां तक पहुंचेगी ताकि हमारे घोषणा पत्र जो संकल्प पत्र है हमारा उस संकल्प पत्र में इन सारी चीजों का समावेश किया जा सके। संकल्प पत्र का सुझाव अभियान जनसंपर्क अभियान पूरे देश भर में चलेगा और पाकुड़ में भी आज से इसका शुभारंभ किया गया है। लोकसभा चुनाव जैसे कि आप सबको पता है कि दस्तक दे चुकी है और अभी बारी है संकल्प पत्र जारी होने की, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी चौखट तक जाएंगे और लोगों के सुझाव। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। बाबा नगरी देवघर में महाशिवरात्रि के दिन निकलने वाली शिव बारात कई मायने में इस बार बेहद खास होने वाली है। इस बार भोजपुरी जगत के जाने माने नामचीन कलाकार भी शिरकत करते नजर आएंगे। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। शिव बारात में निकलने वाली झांकियों के निर्माण में भी कलाकार जुट गए हैं। इस वर्ष की शिव बारात को और भव्य बनाने के लिए कई खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बारात में उमड़ने वाली लाखों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए देश के जाने माने क्रेयांस कंपनी की टीम को भी लगाया जा रहा है। सांसद निशिकांत दुबे ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग इस दिन अपने अपने घरों के सामने साफ सफाई करें और उसे सजाने का भी काम करें। अपना अपना घर जो है जरूर सजाइए क्योंकि महाशिवरात्रि ही सबसे बड़ा पर्व यहाँ का है और पूरे देश को लगना चाहिए कि जो देवघरवासी हैं वो तन मन धन से जो है इस शिवरात्रि को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। अपने घर के आगे साफ सफाई कराइए और सजाइए, यही मेरा विनम्र आग्रह है। मनोज तिवारी जी आएंगे, पवन सिंह जी आएंगे, निरहुआ जी आएंगे, आम्रपाली जी आएंगे, ये सभी लोग जो है आने वाले और एक बड़ी भव्य बारात जो है उसमें निकाली जाएगी। कई एक जगह हमने पुष्प वर्षा का भी कार्यक्रम रखा है कि हम इतना बढ़िया गेट बनाएंगे जिससे कि पुष्प वर्षा होगा। कई एक जगह हमने सेल्फी पॉइंट बनाने का कोशिश किया है, वो भी बनेगा। सेल्फी विथ बाबा मंदिर, ये भी QR कोड से जो है एक नया टेक्नोलॉजी हम लोग उपयोग करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमने की हैं। क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो क्रेयॉन्स है, एक बड़ा ग्रुप है जो इवेंट मैनेजमेंट करती है, एडवर्टाइजिंग की बहुत बड़ी कंपनी। अपना अपना घर जो है जरूर सजाइए क्योंकि महाशिवरात्रि ही सबसे बड़ा पर्व यहाँ का है और पूरे देश को लगना चाहिए कि जो